अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में खुशामदीद। हम उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन से निकल आए हैं और अब हत्तार रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन टेक्सला हवेलियाँ लाइन पर है। यहाँ पर रोड के करीब ही एक छोटा सा और स्टेशन भी मौजूद है जिसको फरूकिया रेलवे स्टेशन कहते हैं। अभी हम उसको ढूँढ रहे हैं। ये आपको बड़ी सी बिल्डिंग और गुंबद जो नज़र आ रहा है, ये सीमेंट की फैक्ट्री है। यहाँ पर पहाड़ों से एक पूरी बेल्ट लगाई गई है जो डायरेक्ट वहाँ से पत्थर ला के इसमें फेंकती है, जिसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। हत्तार रेलवे स्टेशन जाते हुए आपको पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे फरूकिया रेलवे स्टेशन मिलेगा। फरूकिया रेलवे स्टेशन यहाँ पर मौजूद सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर अब आपको सिर्फ एक कमरा नज़र आ रहा है जो किसी की रिहायशगाह है। ये रेलवे स्टेशन अब इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। आइए अब चलते हैं हत्तार रेलवे स्टेशन की तरफ, जो इससे कुछ ही किलोमीटर आगे है। हत्तार रेलवे स्टेशन इसी रोड पर आगे जाते हुए लेफ्ट साइड पर थोड़ा अंदर करके है। हत्तार रेलवे स्टेशन की अभी भी बिल्डिंग मौजूद है जिस पर हत्तार रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही मखदूश हालत में है। ये रेलवे स्टेशन भी अब इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल वगैरह नज़र नहीं आते। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अलावा रेलवे का कोई भी मटेरियल लगा नज़र नहीं आया। हत्तार रेलवे स्टेशन से अगला रेलवे स्टेशन कोट नजीबुल्ला का रेलवे स्टेशन है, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले का रेलवे स्टेशन उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन है, जो कि हम आपको अलहदा वीडियो में दिखा चुके हैं। और जाने से पहले वीडियो लाइक कर दें, वीडियो के बारे में अपना कमेंट देना मत भूलिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।